पावर बी आई, पावर बी आई में जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर जो डेटा हमारे पास आता है, और डेटा जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो, कई बार उसके अंदर हमें कुछ कैलकुलेशन करके कुछ कॉलम ऐड करने होते हैं अपने हिसाब, जिसके लिए यूज करते हैं हम डैक्स फॉर्मूला। और डैक्स फॉर्मूले की इसी कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। अब जैसे कि यहाँ पे डेट है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि जो डेट है हमारा, उसमें से हम सिर्फ डेट को कैसे पिक करें, या डेट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को कैसे पिक करें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑर्डर डेट, राइट? तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक नया कॉलम बनेगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे डे निकालना है, क्या निकालना है, डे निकालना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट लिखा। अगर वो डेट फॉर्मेट में है तो ये देखिए आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, क्या चाहिए, डेट चाहिए, डेट आएगा, डे चाहिए, सिर्फ डे आएगा। यहाँ पे देखिए डे आ गया 18, 22, 20। अगर डे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसमें मंथ, तो मंथ को सिलेक्ट किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से फुल नेम आए। दूसरा यहाँ पे आता है आपका मंथ नंबर, तो मंथ को नंबर में शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास मंथ नंबर के बाद यहाँ पे आता है क्वार्टर, क्वार्टर में Q1, Q2, Q3, क्वार्टर वन, क्वार्टर फोर शो करेगा। और क्वार्टर नंबर अगर करते हैं तो यहाँ पे आपके क्वार्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में आएगा। एंड लास्ट आप ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ईयर का यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई फॉर्मूला फंक्शन वगैरह लगाने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले भी है। जैसे कि ईयर का फॉर्मूला लगाए तो आपके पास ईयर में अगर मैं ऑर्डर डेट डालूं तो उसमें से आपका अलग कर देता है क्या, ईयर। ठीक है, ऐसे में मंथ अलग करूं तो आपका मंथ अलग कर देता है, और डे अलग करूं तो डे अलग कर देता है। ठीक है, लेकिन कई बार मुझे अपने हिसाब से चाहिए होता है, ठीक है ना, उस केस में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं फॉर्मेट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मेट, जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट फॉर्मूला होता है। और फॉर्मेट फॉर्मूला में जो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेक्स्ट इसमें कस्टम फॉर्मेट में जो डालते हैं वो चीजें हम डालेंगे। जैसे हम यहाँ डालते हैं MMM, हाँ, YY, ठीक है, या फिर से मुझे MM चाहिए तो MM आ जाएगा, या वाई वाई चाहिए तो वाई आ जाएगा। तो कस्टम फॉर्मेट फॉर्मेट की तरफ वर्क करता है। तो हमने तीन चीजों पे डिस्कस किया, पहले कि डेट कॉलम में से अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं, दूसरा हमने बात की डे मंथ ईयर, और एक क्वार्टर का भी फॉर्मूला होता है जो कि डेट में से क्वार्टर अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीख गए कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो डेट होता है उस डेट में से अपने हिसाब से उसके पर्टिकुलर पार्ट को हम कैसे अलग करें। इसमें कोई कंफ्यूजन ये इसी तरह का, जी कर हाँ, सकते एक इंफॉर्मेशन देनी थी सर, हमारी एक नई ग्रुप बैच शुरू हो रही है डेटा विजुलाइजेशन टैबलू एंड पावर बी आई के। इसमें पावर बी और टैबलू की दो बैचेज है, इसमें मंडे, वेनसडे, फ्राइडे हमारा जो है पावर बी आई है, और ट्यूजडे, सैटरडे, थर्सडे जो है हमारा वो टैबलू है। टैबलू भी पावर बी आई की तरह ही होता है। पावर टैबलू पहले आया था, डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज की जाती है, और पावर बी आई के 60% 40 to 60% फीचर्स आपको टैबलू में भी मिलता है। इसकी बैक ग्रुप बैच शुरू हो रही है, आपके कोई मित्र या कोई ऐसे आपके दोस्त वगैरह हो तो उनका आप प्रेफर कर सकते हैं। सुबह 7 बजे चलेगी। अगर दोनों बैच लेते हैं तो मंडे टू सैटरडे, अगर कोई एक लेते हैं तो एक दिन छोड़ के, एक ग्रुप बैच है। ठीक है सर, इसमें 12 लोगों का सीट होगा लाइव क्लासेस में, जैसे आपकी क्लासेस में दे रहा हूँ सेम इसी तरह से लाइव होगा। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, तो यहाँ पे अब हम बात दो, हमने डेट को स्टैक करना सीख लिया, अब हम बात करते हैं डेट को ज्वाइन करना। ठीक है, कि कई बार हमें अगर डे मंथ ईयर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए कि ये डेट है, राइट, ऑर्डर डेट है और सिक डेट, तो मैं यहाँ पे मैं सिक डेट में को हम पेमेंट डेट का करना चाहता हूँ। तो पेमेंट डेट क्या होता है कि जिस महीने आपकी शिफ्ट हुई है उसकी अगले महीने की फर्स्ट तारीख।
तो मुझे क्या निकालना है, जिस महीने शिफ्ट हुआ है उसकी अगले महीने की फर्स्ट तारीख, वो हमारा पेमेंट डे। तो क्या करेंगे इसके इसके लिए हम यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे पी डे का नाम से हेडिंग दिया और यहाँ पे देते हैं फॉर्मूला डेट। डेट डेट के अंदर में क्या है कि आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डे मंथ और डे इस तरह से लिख दें तो उस दिन का डेट बना, डेट बना दिया। लेकिन जी मुझे जो डेट ऐसे नहीं बनाना है, ईयर कहाँ से लेना है, ईयर लेना है मुझे ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट मैं यहाँ ईयर का फॉर्मा लगा दूं या ऑर्डर डेट में डायरेक्ट ईयर का चले, ऐसे ही मंथ चाहिए मुझे। हाँ डॉट है, ऑर्डर डेट में यहाँ पे शिप डेट होना चाहिए ना सर, शिप डेट डॉट डॉट ऑटोमेटिक लग जाएगा, कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको टैब लगा सिलेक्ट करना है। ऐसे यहाँ पे मंथ आ गया तो यहाँ पे सिर्फ डेट में हम यहाँ पे मंथ, यहाँ मंथ नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मंथ सिलेक्ट कीजिएगा तो आएगा 1 2 3 4 5 में पेजेस में, जनवरी फरवरी आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या सिलेक्ट करेंगे, मंथ नंबर, यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला ले लीजिए और डे हमारा एक फिक्स है डाल के एंटर मारा। तो देखिए यहाँ पे 1 7 1 12 याद दिख रहा आपको, 1 4, बट प्रॉब्लम है कि मुझे अगले महीने के चाहिए थे, सेम महीने का हो गया। तो क्या करेंगे, मंथ नंबर में प्लस 1 तो नेक्स्ट मंथ आ गया। तो आप डेट को सेपरेट करना सीखे और डेट को ज्वाइन कंबाइन करना सीखे, तो दिक्कत इसमें। मतलब कि डेट में से पर्टिकुलर पार्ट को अलग करना सीखे और आप पर्टिकुलर पार्ट से डेट बनाना सीखे ना। चलिए अब इसमें हम बात करते हैं डिफरेंस, मुझे दो डेट के बीच का डिफरेंस पता करना इन द डेट, तो मुझे सिक डेट और ऑर्डर डेट का डिफरेंस पता करना है, जिसको हम लोग ऑपरेशन ऑपरेशन डेज कहेंगे, ओडी। ऑपरेशन डेज कितना होगा, तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है, लेटेस्ट डेट जो सिक डेट है माइनस क्या करेंगे हम, ऑर्डर डेट। तो दो डेट के लेटेस्ट डेट से ओल्डेस्ट डेट को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आएगा। बट नंबर ऑफ डेज इस तरह का फॉर्मेट में है क्योंकि इसमें डेट का फॉर्मेट अप्लाई है, तो इसको चेंज कर दीजिए होल नंबर, इसमें चेंज कर दीजिए होल नंबर। आ गया सर, शिप डेट माइनस ऑर्डर डेट। अब यहां पर आया कि 1917 दिन है, ये ऐसा क्यों है, जाहिर सी बात है 2021 और 2023 है ना, ये 13 है इसलिए। तो ये उल्टा कर दिया हमने शायद, हमें क्या करना है, ऑर्डर डेट सिर्फ, आया माइनस नहीं आ रहा है। लेकिन सर मुझे डिफरेंस चाहिए ईयर में, मुझे डिफरेंस इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे डिफरेंस चाहिए ईयर में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है डेट डी आई एल, डेट डी आई एल, जिसमें हम डालेंगे यहाँ पे स्टार्ट डेट है जो कि शिप डेट है हमारा और ऑर्डर डेट हमारा क्या है, माइनस होगा ऑर्डर डेट, माइनस नहीं होता इसमें, कॉमा वगैरह देना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, कौन सा डिफरेंस, तो मैं बोलता हूँ डिफरेंस इन ईयर चाहिए, क्या चाहिए ईयर। तो आप देखेंगे कि आपका डिफरेंस ईयर में आएगा 8 सालों, अब ठीक है मुझे ईयर के जगह पे क्या चाहिए, मान लीजिए मंथ चाहिए, ये आपका 96 मंथ आया। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लीजिए मुझे ईयर के बाद का, मुझे एक्सेल में होता था ना वो, हम लोग ईयर के बाद का मंथ चाहिए होता है, तो
तो पावर बीआई में ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर गड़बड़ा है, नहीं है कुछ ऐसा नहीं है। और ईयर निकालेगा या मंथ निकालेगा, अलग अलग नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डे आवर मिनट मंथ क्वार्टर सेकेंड वीक ईयर, इसमें आप ना डिफरेंस निकाल सकते हैं डेट एआईएफ की मदद से, ठीक है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट डे चाहिए, मतलब कि मैं सैटरडे संडे को इग्नोर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफिस बंद था ना हमारा सर। तो डेट डीआईएफ ना लगा के मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मूला नेटवर्क डेज, जिसमें स्टार्ट डेट हमारा है मान लीजिए 6 डे और एंड है हमारा ऑर्डर डेट, और इसमें आता है वीकेंड कि आपका कौन सा वीकेंड चाहिए। आपका छुट्टी कब है, तो मैंने बोल दिया है, मेरा छुट्टी 7 को है, मतलब कि 7वां हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना। इसका जो मैंने पीडीएफ भेजा था, उस पीडीएफ को देखेंगे ना, उसमें पूरा डिटेल दिखेगा, 1 कब डालेंगे 2 कब डालेंगे, आपको दिख जाएगा। 7वां मतलब कि संडे। उसके बाद अगर किसी टेबल में हॉलीडे लिस्ट है तो वो कॉलम को आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। किसी भी संडे मंडे ट्यूजडे के अलावा, सैटरडे एंड संडे के अलावा, या संडे के अलावा, ठीक है ना। अब एंटर मारे तो देखिए दो डेट के बीच में डिफरेंस आया, लेकिन इसमें सैटरडे संडे को यहाँ पे इग्नोर किया, ठीक है। आसिफ संडे को यहाँ पे क्या होता है, अब इसकी अगर आपने देखेंगे जो तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ना सर, मैं दिखाता हूँ। हाँ देखो, सेवन, अच्छा 7 गलत हो गया। 7 में फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी हो, संडे ओनली में 11 देना। अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं तो सैटरडे एंड संडे छुट्टी होगा, अगर 2 देते हैं तो संडे मंडे छुट्टी होगा, 3 देते हैं तो मंडे ट्यूजडे छुट्टी होगा। जैसे गल्फ में आप है तो आप फ्राइडे और संडे छुट्टी होता होगा। हाँ सॉरी, यहाँ मतलब कि मुझे वीकेंड चूज करना है ना, वीकेंड क्या है यहाँ पे, वीकेंड क्या है, वीकेंड क्या है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे 7 दे दिया तो फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होगा, यहाँ पे 1 दूंगा तो सैटरडे एंड संडे छुट्टी होगा, और यहाँ पे अगर मैं दे दिया 11 ओनली फॉर संडे, तो संडे को इग्नोर कर देगा, सैटरडे संडे को इग्नोर कर देगा, मंडे फ्राइडे को इग्नोर कर देगा, ऐसे इग्नोर, ठीक है। अच्छा तो ये पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे चाहिए एंड एंड डेट, मान लीजिए कि जो शिफ्ट डेट है ना हमारा, जो शिफ्ट डेट है उसकी कंफर्मेशन डेट चाहिए, तो जिस दिन को भेजा गया उसके महीने का आखिरी, उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे सी डे के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ लगाएंगे हम ई ओ मंथ, क्या लगाएंगे ई ओ मंथ, ई ओ मंथ में स्टार्ट डेट मैंने लगा दिया शिफ्ट डेट, और यहाँ पे ईओ मंथ करता है एंड ऑफ द मंथ, कि जो डेट डालेंगे ना उस डेट के लास्ट डेट दिखाएगा, उस महीने की लास्ट डेट।
जीरो मतलब बात उसी महीने के चाहिए, अगर वन कर दिया तो मतलब अगले महीने ओके गैप हो जाता है, अगर माइनस में देंगे तो पीछे चलेगा, प्लस में देंगे तो आगे चलेगा, ठीक है। तो डिग्री नाइन पे कीजिए प्रैक्टिस, दिक्कत होगा तो पीडीएफ देख लीजिएगा। कल हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले को, टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूले।